तो जिस समय कश्यप महात्मा भजन करने जा रहे थे तपस्या करने, और तब रास्ता रोक के खड़ी रही है महात्मा की, और क्या बोली है? दिति आरे सौतिली है गई पे तनु पारी, सौतिली है गई पे तनु पारी, ओ सुनी गई गई पोखिया मारी, तो मेरी बारह जो बहने हैं उन पर सब पे संतान है, पर महाराज मेरे कोई संतान नहीं भाई, तो एक बेटा की भीख मांग रही हूं तुम्हारे सामने। दिन था दिन, सूरज बीच में था, तो देखो महात्मा जी शिक्षा क्या दे रहे हैं। सूरज बीच में चमक रहा है, और इस समय के संयोग से जो बेटा पैदा होगा वो राक्षस होगा। अभी मैं बार बार समझ आई रहे ज्ञानी, और एक न बात दिति ने तपस्या को चले गए, और जो दिति के उदर में गर्भ ठहरा वो गर्भ जन्मा नहीं, और जन्मा नहीं तो कितने दिन नहीं जन्मा। जो दिति के उदर में गर्भ रहा वो जन्मा नहीं कितने दिन, ये देखा होगा तुमने कि हमारे परीक्षित महाराज जी जब फागुन के महीना में खड़े होते थे जवानी की उम्र पे, अब तो खैर बुढ़ापो है। मेरी अरे साखी को आरा थोड़ा, अरे मेरी साखी को आरा तो लगा, मेरी साखी को आरा तो लगा, अरे सोबरा सकरा भामी पोराया, मेरी साखी को आरा तो लगा, मेरी साखी को आरा तो लगा, अरे सोबरा सकरा भामी पोराया, मेरी साखी को अर्थ लगाओ अरे सौ वर्ष कर्म में को रहो, और जाते अरे खुजली को पढ़ी गया जग में रो, अरे जाते खुजली को पढ़ी गो जग में रो, जाती खुजली को पढ़ी गो जग में रो, अरे तो जन्म का भाई पड़ी गो जग में रो जाती।
रोग दुनिया में पैदा हो गया, लेकिन वो गर्भ नहीं जन्मा 100 वर्ष तक। जब महात्मा जी की समाधि टूटी और जल पढ़ के मारा था दिति पे, तो 3 संतान जन्मी, 2 बेटा भय और 1 लड़की हुई। बड़े बेटा का नाम था हिरणाक्ष और छोटे का था हिरणकश्यप, और लड़की थी उसका नाम था सिंहिका। 3 संतान जन्मी थी। हिरणाक्ष की काया में जब बल बढ़ा तो इस पृथ्वी को चारों तरफ से इकट्ठी करके जल में दाब दिया, जल में दबा ले गया था हिरणाक्ष। और जब पृथ्वी दब गई थी जल में, ध्यान रखना, तब देवताओं ने विनती की तो ब्रह्मा जी को छींक आई है, 1 अंगूठा के बराबर जीव निकला नाक से, सुअर जैसी आकृति थी, और देखते ही देखते वो सुअर आकाश की तरफ बढ़ने लगा। बोलिए शुकर भगवान की। जब आकाश की तरफ शुकर भगवान बढ़े हैं और तब जल में पृथ्वी के उद्धार के लिए गए, इधर वो पापी दावे बैठा था, और जब भगवान भीतर पहुंचे हैं तब अरे तब एकदम उठाए धारा के क्या जब तू समन थी छिड़िए लड़ाई ओ हरि ने धक्का दो लगाई धक्का मार दो ठाकुर ने पानी में अश्रु गिरोए करिए स्वामी ने ऊपर भूमि धरई उठाई जितनी देर में धक्का मारा है हिरणाक्ष में, अब उठ के खड़ा नहीं हो पाया तो तक तो भगवान ने 2 नुकीले दांतन पर पृथ्वी टेक ली।